नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ किस तरह यहाँ पे आप लाइन मास्टर में वीडियो को इनपुट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपने कोई भी वीडियो बनाया है और अभी आप चाहते हो कि यहाँ पे वो वीडियो तो मैं यहाँ पे थोड़ा एडिट कर दूँ, थोड़ा यहाँ पे बीच वाला पार्ट जो प्रॉपर नहीं है उसे यहाँ पे मैं वीडियो में डाल दूँ, कुछ फ़ोटो डाल दूँ, कुछ वीडियो डाल दूँ जो मेरे पास है और मस्त वीडियो बना दूँ, तो वो यहाँ पे आप लाइन मास्टर में कैसे बना सकते हो। आज मैं बस ये बताने वाला हूँ तो यहाँ पे फोटो वीडियो यहाँ पे आप लाइन मास्टर में कैसे डाल सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है ये, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आपको कुछ भी डाउट है तो वो भी आप यहाँ पे आप मुझे नीचे पूछ सकते हो। तो चलिए यहाँ पे अभी मैं वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आपके प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जो भी आपके पास डिवाइस है, और हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले यहाँ पे आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बता दीजिए कि आपके पास कौन सा डिवाइस है। डिवाइस मतलब रियलमी में है, ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग है, और मुझे भी तो पता चलना चाहिए आपके पास कौन सा डिवाइस है। रियलमी में है तो रियलमी 2 Pro 3 Pro वैसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन मास्टर को यहाँ पे हम ओपन कर दें। ओपन हो जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट पे चले जाना है और यहाँ पे आपको चले जाना है क्रिएट न्यू पर। क्रिएट न्यू पर आ जाने के बाद में यहाँ पे जो भी आप लोग यहाँ पे नाम देना है तो यहाँ पे मैं अपना एक बार टाइम पास ऐसा ही नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे अभी आप लोग समझ ऐसा यूट्यूब वाला लंबा वीडियो चाहिए तो वो यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज़ यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम के लिए बनाना है तो यहाँ पे स्टोरी, तो यहाँ पे ये ले सकते हो आप। यहाँ पे पोस्ट डालना है तो वो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से ले सकते हो। बट मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे जैसे वीडियो बना रहे हो, मतलब ऐसे में वीडियो बना रहे हो तो ये वाला ऑप्शन लीजिए। और सपोज़ अगर आप यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम रील्स बनाते हो या स्टोरी के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लीजिए। तो यहाँ पे अभी मैं ये वाला ऑप्शन ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आ जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। तो यहाँ पे आपको चले जाना है यहाँ पे मीडिया पर। मीडिया पर यहाँ पे आ जाने के बाद में यहाँ पे मेरा नेट बंद है इसलिए यहाँ पे ये बता रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले यहाँ पे मैं वीडियो बता देता हूँ। तो यहाँ पे वीडियो में सपोज़ यहाँ पे वीडियो में सपोज़ मैं ये वाला वीडियो ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी यहाँ पे मैं राइट पे चली जाता हूँ। यहाँ पे मैं स्टेप एकदम स्लो स्लो बता रहा हूँ तो यहाँ पे आपको समझने के लिए ईजी रहता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वीडियो पूरा यहाँ पे इनपुट हो चुका है। और यहाँ पे ये जो वीडियो की लेंथ है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो 343 है, मतलब 3:43। अभी आप चाहते हो कि यहाँ पे मुझे इसमें फ़ोटो भी डालना है तो वो भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मीडिया में चले जाइए, मीडिया में जाने के बाद में यहाँ पे ये फ़ोटो और यहाँ पे जो भी फ़ोटो यहाँ पे आप लोग डालना है, तो सपोज़ यहाँ पे मैं फ़ोटो ले लेता हूँ अभी, बहुत ही सिंपल वाला इंस्टाग्राम वाला फ़ोटो ले लेता हूँ। मैं ये वाला फ़ोटो सपोज़ मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम वाला पोस्ट भी यहाँ पे फ़ोटो डाल दिया है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो टाइम है वो भी बढ़ा है। यहाँ पे पहले समथिंग कुछ 343 था और अभी यहाँ पे 347 है। तो इस तरह यहाँ पे आप इसमें डाल सकते हो। और सपोज़ अगर यहाँ पे आपको इसी लेंथ छोटी बड़ी करनी है तो वो भी यहाँ पे इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम भी छोटा बड़ा होते रहता है। यहाँ पे मैं बड़ा लेता हूँ तो यहाँ पे 351 और यहाँ पे छोटा लेता हूँ तो 344। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह यहाँ पे आप वीडियो इनपुट डाल सकते हो और यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी बता दिया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो में आप लोग समझ में आया है जैसे यहाँ पे आप फ़ोटो डाल सकते हो और फ़ोटो और वीडियो। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।